खबर रतिया से है, जहां इलेक्ट्रिक शोरूम के संचालक के से तीन बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, जिसके साथ ही बदमाशों ने शोरूम के बाहर फायरिंग भी की। वहीं घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पापा दुकान पे थे जी, तो तीन लड़के आए, तीनों ने मूल पेटे हुए थे। एक उनमें से अंदर आया, अंदर आकर कह के गया कि पैसे दो, हमें फिरौती मांग रहे थे, 20 लाख रुपए फिरौती मांग रहे हैं। कहते दो दिन में फिरौती नहीं भेजी तो पैसे नहीं भेजे तो हमें तुम्हें जान से मार देंगे, गोलियां चला देंगे। और बाहर से गोलियां चला के गए दुकान पे, फायरिंग करके गए जी पूरी। ये तीन लोग आए थे और फिरौती का ही मसला है बेसिकली। तीन लोग आए थे, इन्होंने यहाँ फायर किया है शोरूम पे, और हमारे पास कुछ आ गया इनपुट इसमें, हम जल्दी इसके इसको टेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी ये टेस्ट करेंगे। अभी इसका जो हमारे पास 20 लाख रुपए थे, उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपये हम दे दो, नहीं तो इसका नाम ठीक नहीं होगा।